उत्तराखंड में आने वाले समय में विकास का रोडमैप कैसा हो और विकास का पहिया कैसे घूमे, इसे लेकर सरकार मसूरी में मंथन कर रही है। 3 दिनों के इस मंथन में ऐसे ही जरूरी विषयों पर बातचीत होगी। पहाड़ पर विकास का पहिया कैसे घूमे, ऐसे ही कुछ जरूरी विषयों को लेकर मसूरी में उत्तराखंड सरकार मंथन कर रही है। उत्तराखंड सरकार के ब्यूरोक्रेट्स के साथ आईआईटी के वैज्ञानिक, मैकेंजी नाम की एक बड़ी फर्म के एक्सपर्ट और तमाम अर्थशास्त्री, नीति आयोग के एक्सपर्ट शामिल हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी ब्यूरोक्रेसी के साथ इस बात पर मंथन किया कि इस राज्य को अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था के रूप में कहाँ ले जाना है, रोजगार के रूप में कहाँ ले जाना है और इसके रोड मैप को कैसे तैयार करना है और कैसे निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाकर उनको आमंत्रित करना है। तो सुबह से चली ये कार्रवाई और लगातार अभी चल ही रही है और उसमें राज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, निवेश आमंत्रित करने के लिए तमाम पहलुओं पर विचार हुआ। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। तो हमारे पर्वतीय जनपद हैं, उनमें जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले और जो राज्य की जीएसडीपी है उसमें से चमोली जनपद है, हमारा चंपावत है और उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इन सबका जीएसडीपी में योगदान मात्र 2-2% है। ये हमारे लिए बहुत शोचनीय प्रश्न है कि हम कैसे जो है इसमें परिवर्तन करें, जहां पर हमारे लिए बहुत सारी जो है भगवान के द्वारा दी हुई तमाम चीजें हमारे पास हैं। चिंतन शिविर के दौरान मुख्य सचिव एसएस संधु ने अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों को ना कहने की आदत में सुधार लाना होगा। कितने लोग नो कहना पसंद करते हैं, कितनों ने ईगो को कंट्रोल कर लिया है, कितनों ने नहीं कर लिया, ये आप सभी को खुद स्वयं का चिंतन करना है। ये ऑफिशियल चिंतन नहीं है, ये आपको अकेले बैठ के, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चिंतन है। इसका ऑब्जर्व करिए, इसका ध्यान रखिए। जो नो निकलती है इसका मतलब आपकी ईगो है, ईगो नो कहती है। आप हां कहिए, उसकी कोशिश करिए, नहीं कोई रास्ता निकलता फिर उसको बता दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पहले आधी बात सुनते ही नो कर देना। बहुत ऑफिसर ऐसे हैं हमारे, अभी बात पूरी भी नहीं कही, नहीं ये नहीं हो सकता, और उसमें आदमी बहुत अपने को बड़ा महसूस करता है कि इतना बड़ा आदमी आया मैंने नो कर दी। फिर बहुत से ऑफिसर ऐसे भी हैं, बैठ के सुनाते भी हैं, फलां आया इतना आया मैंने मना कर दिया। अरे मना करने में यू आर पेड टू डिलीवर थिंग्स। चिंतन शिविर के दौरान उत्तराखंड के भविष्य के लिए किस तरह की योजनाएं कारगर होंगी, इस पर मंथन हो रहा है। इसके साथ ही अगले 5 सालों में राज्य की जीडीपी को कैसे दोगुना किया जाए, शहरी विकास के लिए ग्रीनफील्ड सिटी की योजना कैसे परवान चढ़ेगी, इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे तमाम ब्यूरोक्रेट्स को नसीहत दी और बहुत व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि कुछ अधिकारी नाराज होते हैं सरकार से, कुछ अधिकारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नाराज होते हैं और वो बैठे हुए केवल इस बात को बताते रहते हैं आने जाने वालों को कि कुछ हो रहा है, सरकार अच्छी नहीं चल रही है, और लोग जैसी बातें सुनना चाहते हैं उसी तरह की के वक्तव्य उनके बने रहते हैं, बंद कमरों के भीतर पॉलिटिक्स होती रहती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनवाने के लिए नई बेहतर तकनीक क्या हो सकती है, मौजूदा समय में जो मानव संसाधन राज्य के पास हैं उनकी उपयोगिता और गुणवत्ता कैसे बढ़े, पब्लिक फाइनेंशियल पॉलिसी और मैनेजमेंट कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर बातचीत होगी। इसके साथ ही आईटी बेस्ड सर्विस डिलीवरी पर फोकस बढ़ाने और आईएएस अधिकारियों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करने पर मंथन होगा। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। इसी चिंतन शिविर से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको दे दें। मसूरी में चिंतन शिविर चल रहा है जहां सीएम ने मुख्य सचिव की तारीफ की। मुख्य सचिव ने अपनी स्पीच में बहुत अच्छी बातें कही, ये सीएम धामी ने कहा। सीएम धामी ने मुख्य सचिव की इन मोटिवेशन बातों की तारीफ की।
सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूं कि सबसे पहले अगर हम लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं तो हर सेशन में जैसे अभी आपने मुझे चिंतन शिविर की जो बुक दी है उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सबसे पीछे बैठकर वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरह बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपने एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।